सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं मुंबई की फेमस अंडा भुर्जी। तो चलिए देखते हैं अंडा भुर्जी कैसे बनाते हैं। अंडा भुर्जी बनाने के लिए हमें चाहिए 4 अंडे, 3 मीडियम साइज के प्याज बारीक कटे हुए, 1 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, कड़ी पत्ता, हरा धनिया बारीक कटा हुआ, 3 बड़े चम्मच तेल और नमक स्वाद अनुसार। पैन गरम हो चुका है, सबसे पहले मैं इसमें 3 बड़े चम्मच ऑयल डाल रही हूँ। हमारा ऑयल गरम हो चुका है, अब मैं इसमें ऑनियन डाल दूंगी। ऑनियन को हमें अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना है। जैसे कि आप देख रहे हैं ऑनियन का कलर चेंज होना शुरू हो गया है। इसे और 2 मिनट तक अच्छे से पकाना है। ऑनियन को अच्छे से हर तरफ से पकाना है, अच्छे से हिलाते रहिए। देखिए ऑनियन का कलर चेंज हो रहा है और थोड़े ऑनियन बाकी है, तभी मैं इसमें ऐड करूंगी हरी मिर्च। कड़ी पत्ता हमारे ऑनियन अच्छे से पक चुके हैं, मिर्ची भी अच्छे से फ्राई हो चुकी है, कड़ी पत्ता भी हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी मसाले, लाल मिर्च पाउडर, लाल मिर्च पाउडर डाला है मैंने 2 टीस्पून, हल्दी आधा टीस्पून, नमक डालना है हमें स्वाद अनुसार। सारे मसाले हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। देखिए सारे मसाले ऑनियन में मिक्स हो चुके हैं, अब मैं इसमें 1-1 अंडे फोड़ के डालूंगी। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अंडा भुर्जी बहुत ही फेमस है। आप अंडा भुर्जी अपने चपाती के साथ, पाव, अंडा पाव, अंडा भुर्जी ऐसे खा सकते हैं। एकदम बनाने के लिए बहुत ही इजी है, खाने में बहुत टेस्टी है, आप एक बार जरूर बनाइए। इसे हमें कंटिन्यूसली खिलाते रहना है ताकि ये नीचे जल ना जाए। अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है सारी तरफ से। अंडा भुर्जी बनाने के लिए सिर्फ 2 या 3 मिनट ही लगते हैं। इसे पकने के लिए ज्यादा समय नहीं लगता है। देखो हमारे अंडा भुर्जी रेडी हो रही है। अब मैं इसमें डालूंगी धनिया, गैस बंद कर देना है। अब यह हमारा रेडी हो चुका है अंडा भुर्जी, अब मैं इसे निकाल लूंगी। तो ये है मुंबई की स्पेशल अंडा भुर्जी। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।